हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यू एट द इंडिकेट पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29। सभी क्वेश्चन हमें कॉन्टिन्यू गिवन है और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं 26th क्वेश्चन से। 26th क्वेश्चन हमारे पास, x नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, इट मीन्स x लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का सेम ही फंक्शन है, k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। और इफ x इक्वल टू पाई बाय टू, और इसका आंसर, इसका हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है 3। फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यू है और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास क्या है, f ऑफ पाई बाय टू नेगेटिव लिमिट, f ऑफ पाई बाय टू पॉजिटिव लिमिट और f ऑफ पाई बाय टू एग्जैक्ट फंक्शन, तीनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये हमें कॉन्टिन्यू फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, a की f ऑफ पाई बाय टू फाइंड आउट कर दो, लेकिन हम पहले लेफ्ट और राइट और फिर इसके इसको इक्वल रख देंगे 3 के इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट x गोज टू पाई बाय टू f ऑफ x, लिमिट x गोज टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स आपके पास के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, तो ये आपके पास है। अब आपने क्या करना है, अब इसमें अगर हम डायरेक्ट पाई बाय टू पुट करते हैं, कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो। यहां पाई बाय टू पुट करेंगे, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, जीरो, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसमें डायरेक्ट तो फिल कर नहीं सकते, तो पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा, तो हम क्या करेंगे, x को क्या फिल कर देंगे, पाई बाय टू माइनस एच। एक्स को क्या फिल कर देंगे, पाई बाय टू माइनस एच, और फिर h लिमिट में एच क्या है, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, यानी जीरो का नेबरहुड, तो h क्या हो जाएगा, जीरो, लिमिट h गोज टू जीरो, तो k cos की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय टू माइनस एच, और डिवाइड में पाई टू पाई बाय टू माइनस एच। अब लिमिट h गोज टू जीरो कॉस पाई बाय टू माइनस एच कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पाई बाय टू की वजह से एंगल चेंज हो गया, यहां क्या जाएगा, साइन एच, पाई नेगेटिव टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे टू पाई बाय टू और प्लस टू एच, ये टू के साथ टू कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट एच गोज टू जीरो के साइन ऑफ एच पाई माइनस पाई प्लस टू एच, पाई के साथ पाई कैंसल, लिमिट एच गोज टू जीरो के साइन ऑफ एच अपॉन टू एच। अब हमने प्लस वन में एक वैल्यू पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, वन के। अब यही वैल्यू हम यहां यूज करेंगे, के और टू तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो साइन ऑफ एच अपॉन एच, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वन, तो हमारे पास रह गया k बाय टू, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में बिल्कुल एग्जैक्ट हम ऐसे राइट भी सॉल्व करेंगे, वो भी एग्जैक्ट k बाय टू आएगा, चेक करते हैं। अब हमारे पास है लिमिट x गोज टू पाई बाय टू पॉजिटिव f ऑफ x, तो f ऑफ x हमारे पास वही होगा, लिमिट x गोज टू पाई बाय टू पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू क्या है, k cos ऑफ x पाई माइनस टू एक्स, ठीक है। अब यहां फिर क्या फिल करेंगे, पुट, अब पाई बाय टू पॉजिटिव है तो पाई बाय टू प्लस एच, ठीक है, एंड एच गोज टू जीरो, तो यह हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉस पाई बाय टू प्लस एच पाई माइनस टू पाई बाय टू प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के कॉस पाई बाय टू प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और एंगल चेंज हो जाएगा, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एच, नेगेटिव साइन ऑफ एच, और यहां पाई माइनस टू पाई बाय टू और माइनस टू एच, टू के साथ टू कैंसल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव के साइन ऑफ एच पाई माइनस पाई नेगेटिव टू एच, पाई के साथ पाई कैंसल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव के साइन एच अपॉन नेगेटिव टू एच, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसल, फिर वही वैल्यू बन गई, के बाय टू बाहर, लिमिट
एच टेंस टू जीरो साइन एच पॉन एच, इसकी वैल्यू क्या आ गई वन, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया के बाय टू, और एग्जैक्ट फंक्शन हमारे पास पाई बाय टू क्या दिया हुआ है थ्री। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ ओ पाई बाय टू तीनों इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल है, के बाय टू किसके इक्वल रखेंगे थ्री के, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स। यह हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन है हमारे पास, टू पे चेक करना है हमने, ठीक है, कॉन्टिन्यू गिवन है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन ये है, तो यहां हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या यूज होगा, के एक्स स्क्र, और टू से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब एग्जैक्ट टू ही हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट टू, तो यहाँ एक्स की वैल्यू टू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा फोर के। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव, राइट लिमिट के लिए क्या फंक्शन दिया थ्री, तो यहाँ जगह आ जाएगा थ्री, और एग्जैक्ट फंक्शन टू हमारे पास क्या दिया हुआ है के एक्स स्क्वेयर, और के की वैल्यू एक्स की वैल्यू टू फिल कर देंगे तो फोर के। अब ये तीनों इक्वल है क्योंकि कॉन्टिन्यू है, तो फोर के इक्वल टू थ्री, तो के की वैल्यू क्या आ गई थ्री बाय फोर। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई, और एट एक्स पाई पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है केपी, और हमारे पास क्वेश्चन कॉन्टिन्यू गिवन है पाई पे। तो फिर वही क्वेश्चन जो रिपीट हमने 27 किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू पाई नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लेस देन ये है, तो एफ एक्स इसमें हम क्या यूज करेंगे के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू पाई फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई के प्लस वन, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स गोज टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है राइट के लिए ग्रेटर देन कॉस ऑफ एक्स, तो यहां हम क्या फिल करेंगे पाई, कॉस पाई इज नेगेटिव वन, ठीक है, कॉस पाई हमारे पास क्या है नेगेटिव वन, और एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन मतलब एफ ऑफ पाई इक्वल यहां पे है, तो यहां फिल करेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा पाई के प्लस वन। अब एग्जैक्ट इनको इक्वल रख दो, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, तो पाई के ये वन भी उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव टू, तो के की वैल्यू आ गई नेगेटिव टू बाय फाइव। दिस इज अ आंसर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्टिन्यू फंक्शन एट एक्स इक्वल टू फाइव पे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट गिवन है, सेम क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू फाइव नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन यूज करेंगे के एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स गोज टू फाइव नेगेटिव के एक्स प्लस वन, और एक्स की वैल्यू क्या फिल करेंगे फाइव, तो यहाँ क्या आ जाएगा फाइव के प्लस वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू फाइव पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स गोज टू फाइव पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, हम क्या यूज करेंगे थ्री एक्स नेगेटिव फाइव, तो एक्स की वैल्यू फाइव फिट करेंगे तो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन माइनस फाइव, तो ये क्या आ जाएगा टेन। अब एग्जैक्ट फंक्शन, इक्वल फंक्शन एफ ऑफ फाइव, तो एग्जैक्ट इक्वल यहां है तो यहां फिल करेंगे तो फाइव के प्लस वन, तो कॉन्टिन्यू है तो हम क्या करेंगे फाइव के प्लस वन इक्वल टू टेन, फाइव के टेन माइनस वन नाइन, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई भाई नाइन बाय फाइव। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यू, ठीक है, हमने 2 और 10 पे हमारे पास दिया हुआ कॉन्टिन्यू फंक्शन, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है, हमने सिर्फ दो पे चेक करना है एट 2 पे एंड एट 10 पे, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं,
टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, यानी फंक्शन क्या दिया हुआ है, फाइव। लिमिट एक्स गोज टू टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स गोज टू टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स हमारे पास फाइव, तो लेफ्ट लिमिट हमारे पास क्या दी हुई है, फाइव। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट टू की निकालते हैं, एक्स ग्रेटर देन टू दिया हुआ है, लिमिट एक्स गोज टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स गोज टू टू पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी, अब एक्स की वैल्यू टू फिल कर देते हैं, टू ए प्लस बी। ठीक है, और एग्जैक्ट फंक्शन हमारे पास इक्वल टू फाइव दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइव। तो ये कॉन्टिन्यू है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, टू ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हमारे पास 10 पे भी कॉन्टिन्यू दिया हुआ है, तो 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 10 नेगेटिव लेस देन 10, ये रहा हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, तो यहां हम क्या करेंगे, एक्स 10 ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की वैल्यू क्या फिल कर देंगे, 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ए प्लस बी। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 10 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और ग्रेटर देन 10 पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 21। लिमिट एक्स गोज टू 10 पॉजिटिव 21, तो ये रिजल्ट क्या दिया हुआ है, 21। और एग्जैक्ट फंक्शन एफ ऑफ 10 क्या दिया हुआ है, 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना हमने, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21, 2 ए प्लस बी इक्वल टू 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी बी कैंसल, 10 ए माइनस 2 ए, 8 ए 21 माइनस 5 16, तो 16 डिवाइड बाय 8, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ए की वैल्यू यहां फिल कर दो सेकंड में, 2 ए प्लस बी इक्वल टू 5, 2 ए 2, ए की वैल्यू 2 4, बी इक्वल टू 5, तो बी की वैल्यू 5 माइनस 4 क्या आ गई, 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, हमारे 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।